वेलकम टू सोजिटेल गाइस, लास्ट हमने बात की थी फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसमें हमने सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्रीज प्रोसेसेस लाइक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक नॉन क्वासी स्टैटिक ये तो हमने डिस्कस किया। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेशली जिसके अंदर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ध्यान देंगे। तो आइए स्टार्ट करें। So we have four types of laws of thermodynamics. The first one is zeroth law, first law, second law and the third. So चारों ही अपने अंदर बहुत ही important role play करते हैं। तो one by one हम सारे topic cover करेंगे हर एक video में। आज का जो topic है वो zeroth law है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि basic ये laws है किसके बारे में। Like जो zeroth law है वो temperature बताता है basically। जो first और second law है दोनों energy बताते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फर्स्ट लो है वो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पे वेरी करता है और जो सेकंड लो है वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। और एक थर्ड लो भी है वो हम आगे जाते वीडियो में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर, सो व्हाट इज टेम्परेचर? लाइक टेम्परेचर वी कैन से इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। लाइक मॉलिक्यूल के ना जितनी रैंडमली वो कितने फास्ट मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा है, उतना ही बेटर टेम्परेचर वो राइज करता है। सो वी कैन से दैट द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द मॉलिक्यूल मूव। अब बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? इट इज लाइक the zeroth law states that if the two systems are in thermal equilibrium in the third system, they are also in thermal equilibrium with each other. Like we have three bodies A, B and C. अगर A B के साथ thermal equilibrium में है और जो B C के साथ thermal equilibrium में है, तो A और C आपस में thermal equilibrium के अंदर thermal equilibrium है क्या? कि का जो temperature है वो same है. They have the same temperature individually. तो अगर हम इसको sum up करें पूरा, so we can say that if object A is in thermal equilibrium with object B and object B is in thermal equilibrium with object C, then object A is in thermal equilibrium with object C. और जिसमें जो हमारा body B है वो as a thermometer act करे, मतलब क्या, जो body B है वो हमें actual temperature बताएगा body कि actual में temperature है क्या पूरे body। तो zero तो basically help करता है किसी body का temperature measure करने। करते कैसे हैं? हमारे पास एक प्रोसेस होता है थर्मोमेट्री के, हमें जिसका भी जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो वी कैन मेजर दैट टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री बेसिकली है क्या? ये एक प्रोसेस है जिससे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पता होना हमें जरूरी है। अगर टेम्परेचर है किसी बॉडी का तो उसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर जीरो है, लाइक अगर मैं कहूँ अगर वो एब्सोल्यूट जीरो है, जीरो कितनी है, तो उस बॉडी की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये हम ग्राफ देख रहे हैं सामने, एकदम लीनियरली वेरी करता है। अगर एब्सोल्यूट जीरो है मतलब जीरो केल्विन है, या मैं कहूँ -270.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसकी कोई भी प्रेशर एनर्जी नहीं है,
तो इसका मतलब किस उसका टेम्परेचर ही नहीं, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है तो ही उसका टेम्परेचर। ये हम ग्राफ पर देख सकते हैं, जैसे कि प्रेशर टेम्परेचर लीनियरली वेरी कर रहे हैं, और अगर एब्सोल्यूट जीरो है तो इट मींस इट द बॉडी हैव नो टेम्परेचर। अब जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, उसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइक जो फर्स्ट है वो है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जो सेकेंड है वो है थर्मोकपल, जो थर्ड है वो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस थर्मोमीटर, और जो लास्ट है हमारे पास वो है कॉन्स्टेंट प्रेशर आइडियल गैस थर्मोमीटर। अब हम चारों ही स्टेप बाई स्टेप आगे पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है वो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में। तो गाइस रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसको हम आरटीडीबी कहते हैं। आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इंडस्ट्रियल फील्ड यूज होता है। तो जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, हमने 10th और 12th 11th क्लास में पढ़ा है फिजिक्स के अंदर। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, सर्किट होता है, हम इक्वेशन बनाते हैं जिससे कि हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। प्रैक्टिकली बताऊं तो मेटल वायर्स होती है, बेसिकली प्लेटिनम वायर्स होती है, जिसका रेजिस्टेंस चेंज करके हम इसका टेम्परेचर बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस एक्ट एज अ थर्मोमीटर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब जो सेकंड है वो है हमारे पास थर्मोकपल। थर्मोकपल जो काम करता है सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। तो ये होता क्या है, जैसे कि हमारे पास दो वायर है अलग अलग मटेरियल से, अगर हम उसको ज्वाइन कर दें तो जंक्शन फॉर्म होता है। अब एक जंक्शन को हमने हॉट साइड पर रख दिया, दूसरे जंक्शन को हमने कोल्ड साइड पर रख दिया। लाइक डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं मेटल लेयर रुकी है, इसको हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो इससे हुआ क्या है, ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उस ईएमएफ की हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ जनरेटेड एक्ट एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन केस ऑफ थर्मोकपल। अब जो थर्ड है वो है हमारे पास कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस थर्मोमीटर। इसका टेम्परेचर है वो आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं। तो जैसे कि बताया आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, जो होती है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, जिसमें पी हमारा प्रेशर है, वी हमारा वॉल्यूम है, एम हमारा मास है, आर हमारा गैस कॉन्स्टेंट है, और जो टी है हमारा टेम्परेचर। एम और आर तुम्हारी कॉन्स्टेंट ही, और इस केस के लिए हमारा वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जो कि ई में भी वेरी करेगा। अब उसमें टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एक पीजोमेट्रिक सिस्टम है, तो इस बल्ब का मेरे को अगर इस सिस्टम का मैं कहूँ अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो इसके अंदर मैंने गैस फिल करी हुई है। अब इससे कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं मर्करी का अगर मैं हाइट डिफरेंस करूँ, तो मुझे पता है कि इसका प्रेशर निकालने के लिए रो जी एच है, जितना मैं हाइट डिफरेंस करूंगा उतना ही मेरे को प्रेशर मिलेगा। अगर प्रेशर मिल गया तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि चेंज इन प्रेशर एक्ट्स एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन दिस केस। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर आइडियल गैस थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर भी पहले जैसे ही है, लेकिन इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर भी आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने वाले हैं। बस फर्क ये है कि हम एक बार वॉल्यूम कॉन्स्टेंट की बजाय प्रेशर कॉन्स्टेंट करने वाले हैं इसके साथ, जिससे होगा क्या, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब क्या, अगर हम टेम्परेचर को अगर हमें टेम्परेचर चाहिए तो इस बार हम वॉल्यूम का चेंज करें। जो लास्ट का टॉपिक है वो हमारे पास एक एग्जांपल रखने वाले हैं। अगर आपको करना क्या है, मैं आपको चार थर्मोमीटर बताऊंगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बता, जस्ट फॉर द रिविजन। तो स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आपको 5-7 सेकंड्स का मैं टाइम दूंगा। मीन वाइल आपको फटाफट आंसर उसके गेस करने हैं और आपको बताने। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो जो फर्स्ट है हमारा थर्मोकपल, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड द फोर्थ वन इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। टाइम स्टार्ट। तो आपके सामने आंसर है, पहले का ईएमएफ है, सेकंड का रेजिस्टेंस है,
third का हमारा volume, change in volume and the last the change in pressure for the constant volume. तो ये थे आज की वीडियो. होप आपको पसंद आई होगी, सबकी रिविजन भी अच्छी हुई होगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे समझ आता है, तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फॉर मोर एक्सरसाइज. Thank you.